सतपुड़ा की रानी कहा जाने वाला पचमढ़ी, जो समुद्र तल से करीब 1064 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा खूबसूरत कस्बा है। यहाँ घूमने के लिए आप 500-600 रुपए में बाइक हायर कर सकते हैं या फिर जिप्सी का भी एक ऑप्शन है। मैंने बाइक हायर की थी और उसके बाद मैं निकल पड़ा पांडव गुफाओं को देखने के लिए। अच्छी चौड़ी सड़कें हैं, अच्छा रास्ता है और ये मेन पचमढ़ी सिटी से करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर स्थित है। पांडव गुफाओं के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ पढ़ा था, तो चलिए देखते हैं कि पांडव गुफाएं कैसी हैं और वहां पर हमें और क्या अच्छा देखने को मिल सकता है। तो मैंने एक्टिवा हायर की है, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से चलाने में आसानी हो रही है, इसलिए अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो बाइक से बेटर ऑप्शन एक्टिवा है या कोई भी स्कूटी है जो आपको मिल जाए। मैंने 600 रुपये रेंट पर ये एक्टिवा ली थी और सिर्फ अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड, दो चीज़ें आपको लगती हैं, 1 लीटर पेट्रोल वो डलवा के देगा। इस फल का नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं भूल गया इसका नाम, मैंने पूछा था इस छोटू से, लेकिन काफ़ी स्वाद में खट्टा है ये, तो चाहे तो खा सकते हैं। अब सीधे चलते हैं पांडव केव्स की तरफ। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, वेल मेंटेन, और सबसे अच्छी बात यह है कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है इस गार्डन में। आपको कहीं भी कोई कचरा वगैरह बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो देख रहे हो आप साइड में, ये कंस्ट्रक्शन काम का कुछ मटेरियल है, बाकी ओवरऑल काफ़ी साफ़ सफाई है। फ़ोटोग्राफी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है और मौसम भी आज बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, तो कोई ख़ास परेशानी नहीं हो रही है। हालांकि थोड़ा सा लाइट कम हो रही है शूटिंग के लिहाज से। बड़ा सा कैक्टस का पेड़ लगा हुआ है, करीब 20-25 फीट ऊँचा है और बहुत ही सुंदर गार्डन है। तो गार्डन भी आप घूम सकते हैं, काफ़ी टाइम इसमें भी आपको लग जाएगा, अच्छा है, बड़ा गार्डन है। कैक्टस के अलग अलग नस्लें लगी हुई हैं, पेड़ लगे हुए हैं। पांडव गुफाएं, बड़ा सा बरगद का पेड़ है यहाँ पे, ग्रीनरी, साफ सफाई बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं, पहाड़ है, पहाड़ में चैम्बर बने हुए हैं। पांडव गुफाएं बेसिकली यहाँ पर ये मान्यता प्रचलित है कि यहाँ पर कभी पांडव रहा करते थे, क्योंकि इसमें अंदर 5 गुफाएं बनी हुई हैं और एक ख़ास गुफा है जो थोड़ी सी बड़ी है, उसको द्रौपदी की गुफा या द्रौपदी का जो निवास स्थान है वो माना जाता है। बाद में यहाँ पर बौद्ध स्तूप होने के भी काफ़ी सबूत मिले हैं और ऐसा कहा जाता है कि इसका मेंटेनेंस या रख रखाव बाद में बौद्धों द्वारा किया गया था और 4th से 6th शताब्दी के बीच में यहाँ पर बौद्ध रहा करते थे, बौद्ध मॉन्क्स रहा करते थे, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो वो यहाँ पर अपने मेडिटेशन के लिए या अपने रहने के स्थान के रूप में इसका प्रयोग करते थे। ये गुफाएं अभी ताला डाल दिया इन्होंने, इनमें पता किया तो ये पता चला कि लोग यहाँ पर गंदगी किया करते थे, कुछ भी लिख जाया करते थे, जैसा कि अपनी इंडियंस की आदत होती है हर हिस्टोरिकल चीज़ को गंदा और बदबूदार करने की। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ASI ने ये ताला डाल दिया है, यहाँ पर अंदर नहीं जा सकते। इस गुफा में जो सबूत मिले हैं वो ये इशारा करते हैं कि यहाँ पर बौद्ध स्तूप ही हुआ करता था कभी, यहाँ बौद्ध रहा करते थे। यहाँ पर गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी बरामद हुई थी जो कि इस वक्त भोपाल के म्यूज़ियम में रखी हुई है। ये जो चौड़ी चौड़ी ईंटें आप देख रहे हैं ये करीब 1500 से 1800 साल पहले की बताई जाती हैं, काफ़ी पुरातात्विक हैं और काफ़ी प्राचीन हैं चौड़ी चौड़ी ईंटें जो आप देख रहे हैं। अब तो खैर इनकी हालत ख़राब हो गई है वक्त के साथ, लेकिन इसीलिए इस बात की ओर इशारा होता है कि ये बौद्ध स्तूप हो सकता था या बौद्ध स्तूप शायद रहा होगा किसी समय में, क्योंकि इस तरह का निर्माण जो है वो बौद्ध स्तूप में देखा गया है। इस प्रकार की जो ईंटों और जो इनकी लंबाई चौड़ाई है, इस हिसाब से पता चलता है कि ये बौद्ध स्तूप के तो पुख्ता सबूत हैं, लेकिन जो लोकल्स हैं वो इसे पांडवों से जोड़ के देखते हैं ज़्यादातर। ये एक छोटी सी गुफा है जो शायद मेडिटेशन वगैरह के लिए उपयोग की जाती रही होगी, साधना के लिए उपयोग की जाती रही होगी। गुफा के मुख्य द्वार पर भी ये शिलालेख भी लिखा हुआ है जो ASI की तरफ से लगाया गया है, इसमें थोड़ी जानकारी दी गई इन गुफाओं की। और चलिए लौटते हैं किसी और स्थान की तरफ, अगले वीडियो में आपको फिर कोई और अच्छी जगह दिखाऊंगा पचमढ़ी की। ये Part 1 है पचमढ़ी का, तो मैंने एक ही दिन में काफ़ी कुछ कवर किया था और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और
पचमढ़ी एक बार घूमने लायक तो है, मतलब ग्रीनरी, और अगर आप नेचर के शौकीन हैं, ग्रीनरी में घूमने के शौकीन हैं, पहाड़ों को घूमने के शौकीन हैं, तो पचमढ़ी एमपी में बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट का इकलौता ऑप्शन है। इसलिए आप पचमढ़ी ज़रूर आइए। अगले वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।